शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर लाइन पर स्थित अमोला पुल के नीचे आज सुबह के समय एक अज्ञात युवती की लाश मिली है। युवती की लाश 1 से 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतिका के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि महिला की हत्या कर उसे पुल से पानी में फेंका गया। मृतिका के शरीर पर पीले रंग का कुर्ता, काले रंग का जींस, हुलिया रंग सांवला, चेहरा गोल, ऊंचाई करीब 5 फुट 2 इंच है। पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मुआयना करने पहुंचे FSL अधिकारी HS वरहादिया के अनुसार युवती पर 1 से अधिक बार चाकू मारे गए हैं, जिसके बाद युवती के शव को अज्ञात आरोपियों के द्वारा पुल के नीचे फेंका गया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। जांच जारी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या कुछ पूरी घटना है? अमोला पुल पे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कोई लड़की की डेड बॉडी है, वो नदी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। जब उसको पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने जब उसको देखा तो एक किसी लड़की की वह डेड बॉडी थी, और उसको निकलवा कर देखा हम लोगों ने तो वहाँ पे उसको काफ़ी शरीर में लगभग 14-15 घाव भी उपस्थित थे। और सर, किस प्रकार से घाव थे? क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया? उसमें कोई नुकीला वेपन है, जैसे कि आप माने चाकू है, ये ऐसा कोई वेपन है जिससे उसने काफ़ी शरीर में घातक चोटें पहुंचाई हैं, और इस कारण उसकी प्रथम दृष्टया उसी से उसकी मृत्यु हुई है। और घटनास्थल और बॉडी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं दूसरी जगह इसकी हत्या करके इसमें नदी में फेंका गया होगा। अभी इसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई है। हमने सभी जगह अपने शिवपुरी के सभी थानों में गुमशुदगी का पता किया है, आसपास के जिलों में भी इसका पता किया है, तो अभी तक अभी कोई इसकी सूचना नहीं मिली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।